Hello, question is given that examine whether the vectors 221, 131, 122 are linearly independent or dependent. If dependent, find the relation between them. Okay, इस example में हमें three vectors given है and we have to check that the given vectors are linearly independent or dependent. और अगर dependent है तो उनमें क्या relation है हमें यहाँ पे find out करना है. Okay, तो इस example को solve करने के लिए जो हमें vectors given है उसे हम assume करेंगे x1, x2 and x3. So the consider the given vector as x1 is equal to first vector 221, x2 is equal to second vector 131 and x3 is equal to third vector 122. Okay, तो इस independent और dependent vector check करने के लिए हमें आप एक matrix equation consider करेंगे कि जो हमारा equation होगा c1x1 plus c2x2 plus c3x3 is equal to 0. इस equation को हम assume करेंगे equation star. और यहाँ पे जो वैल्यूज है c1 c2 c3 वो हमारे स्केलर्स होंगी एंड x1 x2 x3 हमारे वेक्टर्स होंगे. अब इस इक्वेशन स्टार में हम x1 x2 एंड x3 की वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा c1 into x1 वैल्यू 221 plus c2 into x2 वैल्यू 131 plus c3 into x3 वैल्यू विच इज 122 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे स्केलर्स c1 c2 c3 एंड वेक्टर्स x1 x2 x3 इसका हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है. तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशंस मिल जाएंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे. तो इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए c1 एंड फर्स्ट एलिमेंट 2 इन दोनों का हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 इंटू c1 विच इज ट्वाइस c1. उसके बाद c2 एंड फर्स्ट एलिमेंट विच इज 1 सो प्लस 1 इंटू c2 विच इज c2. देन c3 इंटू फर्स्ट एलिमेंट 1 सो 1 इंटू c3 विच इज c3 इज इक्वल टू हमारे पास 0 है. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन किया है c1 c2 c3 से उससे हमें एक इक्वेशंस मिल चुका है. उसके बाद c1 इनटू सेकंड एलिमेंट 2 सो इट बिकम्स ट्वाइस c1. देन c2 इनटू सेकंड एलिमेंट 3 सो प्लस 3 c2. देन c3 इनटू सेकंड एलिमेंट 2 सो विच इज प्लस ट्वाइस c3 इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास 0 है. And the last c1 into third element 1 which is 1 into c1 c1 c2 into third element 1 plus 1 into c2 which is c2 then c3 into third element 2 so which is twice c3 is equal to 0. तो यहाँ पे जो हमें तीन इक्वेशन से यहाँ पे मिल चुके वो इक्वेशन से हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज अ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन. अब इसको हमें सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद c1 c2 c3 की वैल्यूज फाइंड आउट करना है. अगर c1 c2 c3 की वैल्यू अगर हमें 0 मिलते हैं देन द गिवन वेक्टर्स x1 x2 x3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. और अगर नॉट इक्वल टू 0 दैट मींस नॉन जीरो मिलते हैं देन द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट. तब इसको सॉल्व करने के लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम राइट करेंगे ax इज इक्वल टू z इस फॉर्म में राइट करेंगे वेर ए इज द अवर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. अब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हम किस प्रकार से राइट करेंगे मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए को राइट करेंगे. मैट्रिक्स ए इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. जो फर्स्ट इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारे अननोन से c1 c2 c3 उसके जो कोएफिशिएंट है 2 1 1 सो हमारा मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो बन जाएगा 2 1 1. उसके बाद सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड रो सो 2 3 2 सो विच इज 2 3 एंड 2. एंड थर्ड इक्वेशन से 1 1 2 से हमारा थर्ड रो बन जाएगा 1 1 2. देन एक्स मींस अननोन मैट्रिक्स दैट इज c1 c2 एंड c3 एंड z इज द आवर जीरो मैट्रिक्स दैट मींस 0 0 0. तब इस इक्वेशन को हम इस एक्स इज इक्वल टू z इस फॉर्म में राइट करेंगे एंड उसके बाद इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करेंगे. सो हियर वी गेट x इज इक्वल टू z फॉर्म. यहाँ पे हमने मैट्रिक्स a को राइट किया है उसके साथ में हमने अननोन्स का मैट्रिक्स राइट किया है c1 c2 c3 इज इक्वल टू z राइट किया है. अभी हमें इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना है और रैंक फाइंड आउट करने के लिए हमें जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो हमें 1 चाहिए होता है लेकिन यहाँ पे 2 गिवन है तो इसको हमें 1 में कन्वर्ट करना है. तो कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं. रो ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हमें यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 करना है तो हमारे पास थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये भी 1 है तो हम यहाँ पे फर्स्ट एंड जो थर्ड रो है इन दो रोज का हम अगर इंटरचेंज करेंगे तो फर्स्ट रो हमारा 1 हो जाएगा. अगर इंटरचेंज करेंगे तो फर्स्ट थर्ड रो बिकम्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो बिकम्स थर्ड रो.
सो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे आर वन इंटरचेंज आर थ्री, दैट मीन्स फर्स्ट रो हमारा थर्ड हो जाएगा एंड थर्ड रो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, और जो सेकेंड रो है 2 3 2 हमारा एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड रो था 1 1 2 वो हमारा फर्स्ट रो बन चुका है 1 1 2, एंड जो फर्स्ट रो था 2 1 1 वो हमारा थर्ड रो बन चुका है 2 1 1। अब आगे हमें यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हम सेकेंड रो का फर्स्ट इलिमेंट एंड थर्ड रो का जो फर्स्ट इलिमेंट उसे हमें जीरो करना है। तो इन दो इलिमेंट को जीरो करने के लिए हमें यहाँ पे दो रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने होंगे आर टू एंड आर थ्री पे। सो हम यहाँ पे आर टू एंड आर थ्री पे साइमल्टेनियसली ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब आर टू पे अप्लाई करेंगे आर टू माइनस ट्वाइस आर वन, बिकॉज आर टू की वैल्यू टू है, टू माइनस टू इंटू आर वन, टू इंटू वन विच इज टू, सो टू माइनस टू जीरो हो जाएगा। और सेम साइमल्टेनियसली आर थ्री पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे सेम आर थ्री माइनस ट्वाइस आर वन, बिकॉज आर थ्री की वैल्यू यहाँ पे टू है, माइनस टू इंटू वन विच इज माइनस टू, सो टू माइनस टू यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ये दो ट्रांसफॉर्मेशन हमें अप्लाई करना है। उसके साथ जो हमारा अननोन का मैट्रिक्स है सी वन सी टू सी थ्री वो हमारा एज इट इज हो जाएगा, और इज इक्वल टू जो जीरो मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स जेड मैट्रिक्स जीरो जीरो वो भी हमारा एज इट इज हो जाएगा। भी हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है आर टू पे। ट्रांसफॉर्मेशन है आर टू माइनस ट्वाइस आर वन, हम यहाँ पे रफ कैलकुलेशन करेंगे, आर टू की वैल्यू हमारे पास टू है, सो टू माइनस टू इंटू आर वन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वन है, सो टू माइनस टू इंटू वन, सो टू माइनस टू विच इज जीरो, तो यहाँ पे जीरो मिल जाएगा। उसके बाद आर टू का एलिमेंट यहाँ पे थ्री है, सो थ्री माइनस टू इंटू आर वन, आर वन की वैल्यू वन है, सो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, सो थ्री माइनस टू इंटू वन टू, सो थ्री माइनस टू विच इज वन हो जाएगा। देन नेक्स्ट आर टू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे टू है, सो टू माइनस टू इंटू आर वन की वैल्यू टू है, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे टू इंटू टू फोर, सो टू माइनस फोर विच इज माइनस टू। देन नेक्स्ट अब हम यहाँ पे आर थ्री का ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। आर थ्री के लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया था आर थ्री माइनस ट्वाइस आर वन, आर थ्री की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास टू है, आर वन की वैल्यू वन है, सो टू माइनस टू इंटू वन, टू माइनस टू विच इज जीरो। नेक्स्ट आर थ्री की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वन है, आर वन की भी वैल्यू वन है, सो वन माइनस टू इंटू वन, सो टू इंटू वन विच इज वन, सो सॉरी टू इंटू वन विच इज टू, सो वन माइनस टू, वन माइनस टू विच इज माइनस वन। एंड द नेक्स्ट लास्ट आर थ्री वैल्यू इज वन एंड टू इंटू आर वन वैल्यू इज टू, माइनस टू इंटू टू माइनस फोर, सो वन माइनस फोर विच इज माइनस थ्री। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है आर टू एंड आर थ्री पे, एंड सेकेंड रो थर्ड रो के जो फर्स्ट इलिमेंट है दोनों को हमने यहाँ पे जीरो किया है। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, और जो आर थ्री का जो सेकेंड इलिमेंट है माइनस उसे हमें जीरो करना है। अब इस इलिमेंट को जीरो करने के लिए हमें आर थ्री एंड आर टू का एडिशन करना होगा, बिकॉज माइनस वन प्लस वन यहाँ से जीरो बन जाएगा। सो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे आर थ्री पे, आर थ्री प्लस आर टू, आर थ्री प्लस आर टू ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो दोनों इलिमेंट, सॉरी इलिमेंट जो हमारा माइनस वन है थर्ड रो का सेकेंड इलिमेंट वो जीरो बन जाएगा, आर वन आर टू एज इट इज हो जाएगा। हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे आर थ्री पे, आर थ्री प्लस आर टू, यहाँ पे आर वन आर टू हमारा एज इट इज हो जाएगा, जो अननोन का मैट्रिक्स है सी वन सी टू सी थ्री वो भी एज इट इज हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स एज इट इज होगा। सो आर थ्री प्लस आर टू जब अप्लाई करेंगे तो जीरो प्लस जीरो विच इज जीरो, माइनस वन प्लस वन विच इज जीरो, एंड माइनस थ्री माइनस टू विच इज माइनस फाइव। तो यहाँ पे हमने आर थ्री पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है, और जो आर थ्री का सेकेंड इलिमेंट उसे भी हमने जीरो किया है। उसके बाद हमें हमें यहाँ पे माइनस फाइव इस इलिमेंट को जीरो करना है। तो यहाँ पे हमें ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना होगा जो अप्लाई करने के बाद माइनस फाइव जीरो होगा, लेकिन जो हमने ऑलरेडी इलिमेंट जीरो किए वो हमें एज इट इज चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जो हम अप्लाई करके माइनस फाइव को यहाँ पे जीरो करेंगे। तो यहाँ पे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप करेंगे। अब हम मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स जो हमने मैट्रिक्स ऐड किया, ये हमारा मैट्रिक्स ए, तो उसकी हम यहाँ पे रैंक राइट करेंगे। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, अब रैंक हम किस प्रकार से राइट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज। सो इस मैट्रिक्स में कितने रोज है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सो दीज आर द थ्री रोज, माइनस
टोटल नंबर ऑफ रोज विच कंटेन ऑल जीरो एलिमेंट, ऑल जीरो एलिमेंट, यहाँ पे ऑल जीरो नहीं है, यहाँ पे माइनस फाइव है विच इज नॉट जीरो। तो ऐसे कितने रोज है जिसमें ऑल जीरो एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए में कोई भी रो नहीं है, दैट मीन जीरो रो है। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हमें थ्री मिल चुका है। उसके बाद हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए जेड की रैंक फाइंड आउट करना है। तो मैट्रिक्स हम ए जेड सबसे पहले राइट करेंगे, जो हमने जो राइट किया था एक्स इज इक्वल टू जेड फॉर्म में, तो हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा तो हमारा मैट्रिक्स ए होगा, जो हमने राइट किया है 1 1 2 0 1 माइनस 2 एंड 0 0 माइनस 5। उसके साथ हम जेड मैट्रिक्स को राइट करेंगे, जेड मैट्रिक्स हमारे पास था 0 0 0। अब इस मैट्रिक्स का हमें रैंक फाइंड आउट करना है, तो इसका रैंक हम सेम उसी प्रकार से फाइंड आउट करेंगे जिस प्रकार से हमने मैट्रिक्स ए का फाइंड आउट किया था। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जेड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज, इसमें टोटल थ्री नंबर ऑफ रोज है, माइनस टोटल नंबर ऑफ रोज विच कंटेन ऑल जीरो एलिमेंट। अब यहाँ पे लास्ट रो पे तीन एलिमेंट जीरो है, लेकिन एक एलिमेंट माइनस फाइव है, तो ये जीरो रो नहीं होगा हमारा। तो यहाँ पे भी जीरो ऐसे टोटल नंबर ऑफ रोज है जिसमें ऑल जीरो एलिमेंट हो गए। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जेड इज इक्वल टू थ्री, विच इज आवर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। उसके बाद हम यहाँ पे n की वैल्यू राइट करेंगे, n मींस टोटल नंबर ऑफ अननोन्स। हमारे पास कितने अननोन्स है, c1 c2 c3 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारी यूनिक कंडीशन की वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स a इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स az विच इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू n विच इज इक्वल टू 3, बिकॉज तीनों की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 मिल चुके हैं। दैट मीन्स जो हमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मिल चुका था वो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हमने यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन राइट किया था, जिसका हमने x इज इक्वल टू जेड फॉर्म राइट किया था, वो हमारा यूनिक सोल्यूशन देगा। दैट मीन्स इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। इस होमोजेनियस इक्वेशन में दो ही सोल्यूशन होते हैं, यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनाइट सोल्यूशन। यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, इन्फिनाइट की कंडीशन क्या होती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज जेड लेस देन n, then the system have infinite solution। लेकिन यहाँ पे हमें यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। अब यूनिक सोल्यूशन हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से जहाँ पे हमने रैंक फाइंड आउट करना स्टॉप किया है उससे हमें कुछ इक्वेशंस मिलेंगे, उसका यूज करके हम यहाँ पे c1 c2 c3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और डायरेक्टली हम भी राइट कर सकते हैं यूनिक सोल्यूशन, दैट मीन्स ट्राइवल सोल्यूशन। और अगर ट्राइवल सोल्यूशन मिलता है तो c1 इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू c3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स तीनों वैल्यू हमारे जीरो यहाँ पे बन जाएगी। किस प्रकार से बनती है वो भी हम चेक करेंगे, जहां पे हमने स्टॉप किया था रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे इस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा एक इक्वेशन मिल जाएगा 1 इंटू सी वन विच इज सी वन प्लस 1 इंटू c2 प्लस 2 इंटू c3 इज इक्वल टू 0। इसे मार्क करेंगे इक्वेशन 1। उसके बाद सेकेंड रो एंड ये कॉलम्स इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 0 इंटू c1 विच इज 0, 1 into C2 which is C2 minus 2 into C3 is equal to 0। इसे मार्क करेंगे इक्वेशन 2। उसके बाद जो थर्ड रो एंड एक कॉलम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 into C1 0, 0 into C2 0 एंड minus 5 C3 is equal to 0। इसे मार्क करेंगे इक्वेशन 3। minus 5 मल्टीपल ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, सो C3 is equal to 0 upon minus 5 which is 0। C3 की वैल्यू 0 मिल चुके हैं, सेम इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, सो इक्वेशन 2 बिकम्स C2 माइनस 2 इंटू C3 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0, सो C2 माइनस 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 0, सो C2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेम हम हमें यहाँ पे C1 की वैल्यू पुट फाइंड आउट करेंगे, सो इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 था C1 प्लस C2 0 प्लस ट्वाइस C3 0 is equal to 0, that implies that C1 is equal to 0। और यहाँ पे हमें C1, C2, C3 की वैल्यू 0 मिलती है, that means the given vectors are linearly independent। Given vectors are linearly independent। Independent हमें यहाँ पे vectors मिल चुके हैं, because C1, C2, C3 तीनों की वैल्यू हमें यहाँ पे स्केलर की वैल्यू 0 मिल चुके हैं। अगर नॉन जीरो होते तो लीनियरली डिपेंडेंट होता, लेकिन यहाँ पे जीरो मिल चुका है, दैट मींस क्लियरली इट सेज दैट द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, और आगे क्वेश्चन पूछा गया था अगर डिपेंडेंट है तो रिलेशन फाइंड आउट करो,
लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं मिला, यहाँ पे इंडिपेंडेंट मिल चुका है, तो इन तीन वेक्टर्स में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ओके, थैंक यू।